गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई मिस्टर वैभव तितरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर, वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर सीरीज ऑफ सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 4, नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉयज। एंड today's topic for discussion is copper and its alloys. Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have learned about bottled cast iron, chilled cast iron, and alloy cast iron. I hope you have revised the previous lecture. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe the properties and applications of copper, describe the properties and applications of copper alloys. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. जैसे कि हमने पहले चैप्टर में देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, जिसमें हमने देखा था कि मेटल को हमने दो हिस्सों में बांटा था, एक था फेरस मेटल और दूसरा है नॉन फेरस मेटल, बराबर है? सो ये जो चार्ट है आपको दिखाया गया है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, जिसमें हमने देखा था कि मेटल के दो हिस्से हैं, फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल। तो फेरस मेटल में प्योर फेरस मेटल जो है वो कौन सा है? आयरन है। और इस फेरस मेटल को आयरन के साथ हम उस फेरस अलॉयज को देखते हैं, तो फेरस अलॉयज में आता है स्टील, हाई स्पीड स्टील, बराबर है? ये जो टोटल टॉपिक है हमने ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है, बराबर है? और चैप्टर नंबर 3 में भी हमने कास्ट आयरन के बारे में पढ़ा है, जो भी एक फेरस मेटल है। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम नॉन फेरस मेटल पढ़ने वाले हैं, उसमें दो टाइप्स आते हैं। एक तो आएगा नॉन फेरस के मेटल्स प्योर फॉर्म में जो रहेंगे, और कुछ रहेंगे नॉन फेरस के अलॉयज। तो बच्चों, कौन से नॉन फेरस मेटल्स है वो हम देखते हैं। जैसे हो गया कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, टीन, लीड, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी। तो दीज आर द प्योर नॉन फेरस मेटल्स। आप सभी को पता होगा कि मर्क्यूरी ये जो फेरस नॉन फेरस मटेरियल है, जो लिक्विड स्टेट में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस अलॉयज की जब हम बात करते हैं, तो उसमें आता है ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर और बहुत सारे हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने अलॉय में देखा था कि ब्रास जो है कॉपर और जिंक का अलॉय है, ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टीन का अलॉय है, और सोल्डर जो कि लीड और टीन का अलॉय है, बराबर है? और देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि अलॉयिंग हम किस प्रकार से करते हैं। तो आई होप आपको फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल के बारे में थोड़ी जानकारी मिल गई होगी। चलो दोस्तों, अभी हम नॉन फेरस मेटल के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये सभी जो है यह नॉन फेरस मेटल्स में आते हैं, या कुछ उसके अलॉयज है, जैसे लीड, एल्यूमिनियम, कॉपर, टीन, जिंक, ये क्या है? प्योर नॉन फेरस मेटल है। और ब्रास और ब्रॉन्ज ये उसके अलॉयज है। तो नॉन फेरस मेटल हम किसको बोलते हैं? नॉन फेरस मेटल्स आर द मेटल्स विच डू नॉट हैव एनी आयरन इन देम एट ऑल। नॉन फेरस मेटल मतलब ऐसे मेटल होते हैं जिसमें आयरन नहीं रहता है, मुख्य पदार्थ आयरन नहीं रहता है। दिस मीन्स दैट नॉन फेरस मेटल्स आर नॉट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। एंड दे आल्सो डू नॉट रस्ट इन द सेम वे व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर। नॉन फेरस मेटल को रस्टिंग मतलब कोरोजन नहीं होता है जब वो मॉइस्चर के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं तब।
ये हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं नॉन फेरस मेटल के, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, जिंक, टिन, लीड, सिल्वर, गोल्ड एंड मैग्नीशियम से बहुत सारे जो मेटल्स है जो नॉन फेरस मेटल्स है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम जो पहला नॉन फेरस मेटल चुनते हैं पढ़ने के लिए है वह है कॉपर, जिसको हम मराठी में तांबा बोलते हैं। ओके, सो कॉपर जो है इट इज वेरी मैलिएबल एंड डक्टाइल सो दैट इट कैन बी गिवन एनी डिजायर्ड शेप। ये मैलिएबल एंड डक्टाइल होने के कारण इसको हम कोई भी डिजायर्ड शेप दे सकते हैं। मैलिएबल मतलब उसके हम शीट्स बना सकते हैं, डक्टाइल मतलब उसके हम वायर्स बना सकते हैं। द कॉपर हैज वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छे होने के कारण हम इसके वायर्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स बनाते हैं, बराबर है। इट फॉर्म एन एक्सलेंट अलॉयज, और कॉपर का हम यूज करके बहुत सारे अलॉयज को फॉर्म कर सकते हैं। इट हैज गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन, कॉपर का जो कोरोजन रेजिस्टेंस है ये काफी अच्छा है, इसको जंग जो है लगता नहीं है, इसका रस्टिंग नहीं होता है। ये आपने ध्यान में रखना है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 29 है, ये एग्जाम में आता है, तो कॉपर का जो है एटॉमिक नंबर 29 है। और कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर चालको पायराइट जो है, जिससे हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन के अंदर से, हमने चालको पायराइट के ओर्स निकालने हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद हमें कॉपर मिलता है। लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर, कॉपर के क्या विशेष गुणधर्म है वो हम अभी पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो इट हैज रेडिश कलर एंड ब्राइट लस्टर, ये थोड़ा लाल कलर जैसा दिखता है, रेडिश कलर में आता है और लस्टर करता है, चमकता है। इट इज हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल, इसके हम शीट्स बना सकेंगे और ये वायर भी बना सकते हैं। ये कॉपर इज हीटेड टू रेड हीट एंड कूल स्लोली इट बिकम्स ब्रिटल, अगर हम उसको हीट करते गर्म करते हैं और धीरे धीरे अगर हम उसको ठंडा करते हैं तो वह ब्रिटल बनेगा। बट इफ कूल्ड रैपिडली इट बिकम्स सॉफ्ट, अगर हम उसको एकदम फास्टली रैपिडली अगर हम उसको कूल करते हैं तो हम वो सॉफ्ट पाएंगे। द ब्रिटलनेस इज ड्यू टू द कोर्सली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दैट डेवलप ड्यूरिंग द स्लो कूलिंग, जब हम इसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो कोर्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है, जिसके कारण ये ब्रिटलनेस जो प्रॉपर्टी है ये कॉपर के अंदर डेवलप होती है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये जो यहाँ पे मेल्ट होता है जो है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1083 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट होता है और 2505 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉईल होता है। 2000 मतलब 2500 के आसपास ये बॉईल होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 8.93 है। अभी मुझे बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या, मतलब ये 8 से 9 गुना पानी से क्या बोल सकते हैं भारी है, पानी से ये 9 गुना भारी है, अप्रोक्सीमेटली अपना हम बोल सकते हैं, राइट। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये फ्लूड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है सेकंड सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इट हैज वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो तो हमने पहले ही देखा हुआ है। रेजिस्टेंस टू कोरोजन है वो भी हमें पता है। एक्सलेंट ज्वाइलिंग प्रॉपर्टीज बाय वेल्डिंग, सोल्डरिंग एंड रिवेटिंग, हम इसको किसी भी प्रकार के माध्यम से, जैसे वेल्डिंग हो गया, सोल्डरिंग हो गया, रिवेटिंग के माध्यम से हम इसको वेल्ड कर सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं। फॉर्म एक्सलेंट अलॉयज लाइक ब्रॉन्ज एंड गन मेटल, ब्रॉन्ज और गन मेटल जो अलॉयज है वो हम फॉर्म कर सकते हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है यह है 300 से लेकर 470 मेगा पास्कल, 300 से 470 तक इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो आई होप आप सभी को प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर समझ में आ गई होगी। चलो अभी हम देखते हैं कि ये जो हमारा कॉपर जो नॉन फेरस मेटल है वो कहाँ पे यूज होता है। जैसे कि आपको इस फिगर्स में देखने को मिल रहा होगा,
कि ये जो है हीट एक्सचेंजर्स या कंडेंसर्स में हम इसका यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मतलब वायर्स में, और जो सबको पसंद है चाय की जो केतली है उसके लिए भी हम इस कॉपर का एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, वन बाय वन हम एप्लीकेशन ऑफ कॉपर देखते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री की जो बात करते हैं, तो इंडस्ट्री में जैसे जनरेटर्स है, मोटर्स है, स्विच बोर्ड्स है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स है, वायर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इन सभी में हम कॉपर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री है, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी हम इसका इस्तेमाल केमिकल प्लांट्स, टैंक्स, यूटेंसिल्स मतलब जो हमारे घरगुती भांडे हैं, फूड इंडस्ट्रीज, मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज एंड कॉपर पाउडर हैज बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन पाउडर मेटलर्जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कॉपर के, जो इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं कॉपर के अलॉयज। सो आर यू रेडी? सो कॉपर के जो है बेसिकली दो मुख्य अलॉयज है, एक होता है ब्रास और एक होता है ब्रॉन्ज। ब्रास जो है ये कॉपर और जिंक का अलॉय है, और ब्रॉन्ज जो है वह कॉपर और टीन का अलॉय है। फिर यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि अल्फा ब्रॉन्ज जो रहते हैं, जिसमें 36% ऑफ जिंक रहता है और बाकी का कॉपर रहेगा, और अल्फा बीटा की अगर हम बात करते हैं, अल्फा बीटा जो ब्रॉन्ज है जो 36 to 45% जिंक रहेगा और बाकी का क्या रहेगा, कॉपर। ये कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस के लिए यूज होगा और यह हॉट वर्किंग के लिए यूज होगा। ब्रास के जो एप्लीकेशंस है जैसे कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, कार्ट्रिज केजिंग, ऑटोमोटिव रेडिएटर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग एंड कॉइन, इसलिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। ब्रॉन्ज की अगर हम बात करते हैं, इसके कुछ एप्लीकेशंस है जैसे इसके टाइप्स है ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज, गन मेटल, सिलिकॉन ब्रॉन्ज, बेल मेटल, मैग्नीज ब्रॉन्ज, मून मेटल। इसके कुछ एप्लीकेशंस है जैसे हाइड्रोलिक फिटिंग्स, बेयरिंग्स, बुशेश, यूटेंसिल्स, शीट्स, रॉड्स एंड मेनी अदर स्टैम्प्ड एंड डॉन। तो चलो दोस्तों, इसको हम अभी डिटेल में देखते हैं। ब्रास, सो ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर इज मेन कंपोनेंट एंड ब्रास इज यूजुअली क्लासिफाइड एज अ कॉपर अलॉय। ब्रास जो है यह कॉपर और जिंक का अलॉय है। द कलर ऑफ ब्रास वेरीज फ्रॉम डार्क रेडिश ब्राउन टू लाइट सिल्वरी येलो। इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन से लाइट सिल्वर येलो तक मिलता है। ब्रास स्ट्रॉन्गर है, हार्डर है, ओके, लेकिन स्टील इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। इट इज इजी टू फॉर्म इनटू वेरियस शेप, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड जनरली रेजिस्टेंस टू कोरोजन फ्रॉम साल्ट वाटर। तो इसको हम ब्रासिस जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और इसको हम कोई भी इसमें ढाल सकते हैं, और इसका कोरोजन रेजिस्टेंस जो है काफी अच्छा है। तो ये जो पिक्चर्स में आपको दिख रहा है ये सभी ब्रास के एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपने वो प्लम्बिंग के लिए जो यूज होते हैं, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है प्लम्बिंग के लिए जो भी फिटिंग्स आती है, या ये जो स्क्रूज है, या ये जो बुशेश है, ये सभी एप्लीकेशंस है किसके, ब्रास के। लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ ब्रासेस। ओके, तो जो अल्फा ब्रासेस जो रहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अल्फा ब्रासेस है जिसमें जिंक 35% या 36% से ज्यादा रहेगा, अल्फा बीटा में 35 to 45% के बीच में रहेगा, बीटा ब्रासेस में 45 to 50% रहेगा, गामा ब्रासेस में 61 to 67% रहेगा, और व्हाइट ब्रास में दोनों कॉपर और जिंक जो है वह 50-50% रहते हैं। तो अल्फा में 35, अल्फा बीटा 35-45, बीटा 45-50, गामा 61-67 और व्हाइट ब्रास 50-50। और ब्रासेस के कुछ मुख्य टाइप्स है जैसे कि नावेल ब्रास, मूंज मेटल या एलो मेटल, क्लाइडिंग मेटल, कार्ट्रिज ब्रास,
एडमिरल्टी ब्रास, एल्युमिनियम ब्रास, लीडेड ब्रास और निकेल ब्रास। तो ब्रास के इतने टोटल टाइप्स है, ठीक है, तो आपने ये विशेष करके ध्यान में रखना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहला जो ब्रास है, दैट इज नावेल ब्रास। तो आपको नाम देखते ही समझ में आया होगा कि नावेल, नावेल इज रिलेटेड टू नेवी, एंड नेवी जो रहता है, नेवी में जहाज चलते हैं, जहाज समुन्द्र के पानी में रहते हैं, तो इसका जो है यूज या समुन्द्र के पानी में रहेगा, क्योंकि इसका कोरोजन रेजिस्टेंस काफी अच्छा रहेगा। तो चलो देखते हैं मैंने जो कहा वो सही है कि नहीं है। देखते हैं नावेल ब्रास का जो कंपोजिशन है, नावेल ब्रास का जो कंपोजिशन है, जिसमें 60% कॉपर रहेगा, 39.25% जिंक रहेगा और 0.75 टीन रहेगा। तो ये टिपिकल कंपोजिशन जो है वो आपको याद रखना है। और नावेल ब्रास को अगर हमको बनाना है तो मेरे पास कॉपर रहना चाहिए, जिंक रहना चाहिए और टीन रहना चाहिए। द पर्पज ऑफ टीन इज टू इम्प्रूव द रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन, है ना, कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम उसमें टीन का यूज करते हैं। नावेल ब्रास इज ऑप्टेनेबल एज हॉट रोल प्लेट, पर्टिकुलरली फॉर द मरीन कंडेंसर प्लेट्स। बराबर है, मरीन, मरीन मतलब क्या होता है, नेवी से रिलेटेड है, तो उसके कंडेंसर की जो प्लेट्स रहती है, एंड इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रूडेड रॉड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मशीन ऑफ हॉट फोर्स कंपोनेंट, बोथ सैंड एंड डाई कास्टिंग्स आर अवेलेबल। तो इसका सार मैं बताता हूँ कि इसको मरीन के जो कंडेंसर प्लेट्स से रॉड्स जो भी लगेंगे उनके लिए हम नावेल ब्रास का यूज कर सकते हैं। इसके कुछ हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे कि नावेल ब्रास का जो है उसका कोरोजन रेजिस्टेंस काफी अच्छा है, टेनिसिटी इज हाई, टेनिसिटी मतलब ये रिएक्शन नहीं करता है किसी के साथ। बराबर है, इसकी क्वालिटीज काफी अच्छी है, गुड वर्किंग क्वालिटीज है, इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड बेटर हार्डनेस। ओके, तो दीज आर द सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ नावेल ब्रास। चलो तो देखते हैं कि हम नावेल ब्रास का यूज, नावेल ब्रास को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन, अगर हम देखते हैं तो प्रिसीजन शिप बोर्ड इक्विपमेंट्स, शिप में जो भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट लगेंगे उनके लिए हम नावेल ब्रास का यूज कर सकते हैं। फास्टनर, फास्टनर मतलब क्या होता है, फास्टनर में आता है नट बोल्ट और रिवेट्स में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल कुछ एप्लीकेशन है जैसे वेल्डिंग रॉड्स है, कंडेंसर प्लेट्स है, स्ट्रक्चरल यूजेस जैसे वॉल है, स्टेम्स है, बॉल्स, हीट एक्सचेंजर्स, एयरक्राफ्ट, टर्न बकल बैरल्स, बेरिंग्स, डाइस, प्रेशर वेसल्स, बेरिंग्स, बुशेस एंड हब होल्स, इन सभी में हम नावेल ब्रास का यूज कर सकते हैं। मरीन की हम बात करते हैं, जैसे मरीन जो है अपने शिप्स जो है उनके प्रोपेलर शाफ्ट, उसके कुछ हार्डवेयर्स, मरीन में हमको कुछ डेकोरेटिव काम करना है तो फिटिंग्स, शाफ्ट्स, प्रोपेलर शाफ्ट एंड टर्न बकल्स। ऑर्डनेंस फैक्ट्री जैसे बात होगी तो मिसाइल्स वगैरह हमको जो बनानी है उसके लिए हम नावेल ब्रास का यूज कर सकते हैं। जैसे बाफेल प्लेट्स आती है, फ्लेंजेस जो आती है, बाफेल प्लेट्स और फ्लेंजेस, इनके लिए भी हम नावेल ब्रास का यूज कर सकते हैं। प्लम्बिंग्स जैसे है, प्लम्बिंग मतलब नट फिटिंग का अगर हमको काम करना है तो उसके लिए भी हम नावेल ब्रास। दूसरा जो है हमारा ब्रास, दैट इज मून्स मेटल, या इसका दूसरा नाम है एलो मेटल। पेपर में दोनों नाम से पूछा गया है, मून्स मेटल या एलो मेटल। ओके, तो सबसे पहले हम मून्स मेटल या एलो मेटल के बारे में देखते हैं। तो जिसमें 60% कॉपर रहता है, 40% जिंक रहता है। बराबर, तो मून्स मेटल में 60% कॉपर एंड 40% जिंक। इसके हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये रेडिश कलर में रहता है, इट कैन रेडिली हार्ड वर्क एंड रोल्ड इन टेम्परेचर रेंज ऑफ 600 डिग्री सेंटीग्रेड टू 800 डिग्री 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 350 से 400 मेगापास्कल है। इसकी स्ट्रेंथ और वर्कएबिलिटी काफी अच्छी है, इसका कोरोजन रेजिस्टेंस भी काफी अच्छा है। तो दीज आर द सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ मून्ज मेटल। मून्स मेटल के अभी हम एप्लीकेशंस देखते हैं, जैसे कि मून्स मेटल का जो यूज है वो यूटेंसिल्स, हमारे जो घरगुती जो बर्तन रहते हैं और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, इसलिए हम उसका कॉइल्स करके भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शिप शीडिंग के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, और बोल्ट्स, पम्प्स, कंडेंसर ट्यूब्स एंड उसके जैसे जो सिमिलर एप्लीकेशंस है उनके लिए भी हम मून्स मेटल का यूज
करते हैं। इसका और यूज है जैसे मरीन फिटिंग्स, कंडेंसर हेड्स, रेडिएटर कोर्स, स्प्रिंग्स, चेन, वॉल्स एंड आर्किटेक्चरल वर्क्स के लिए भी हम मून्स मेटल का यूज करते हैं। ग्लाइडिंग मेटल, द नेक्स्ट ब्रास इज ग्लाइडिंग मेटल। ग्लाइडिंग मेटल इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ ब्रास दैट इज यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स विच आर टू बी ग्लाइडेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ये बनाए गए ब्रासेस है, इसलिए काफी काफी स्पेशल ब्रासेस है, जिसमें कि 95% कॉपर रहता है और 5% जिंक। ओके, तो आपने टिपिकल कंपोजिशन इसका ध्यान में रखना है। अनदर ग्लाइडिंग मेटल प्रॉपर्टीज इट दैट इज हैज एक्सलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस इन मोस्ट ऑफ द मीडिया। इसका कोरोजन रेजिस्टेंस काफी अच्छा है। ग्लाइडिंग मेटल कैन बी हैमर्ड और इजिली फॉर्म इनटू शेप, मेकिंग इट आइडियल फॉर क्राफ्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। तो इसको हम हैमरिंग करके शीट अच्छे से बना सकते हैं और एयरक्राफ्ट वगैरह में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट आल्सो एफर्टलेसली ब्रेज्ड, सोल्डर एंड एनग्रेव्ड। इसके ऊपर हम सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और एनग्रेविंग कर सकते हैं। इट्स स्ट्राइकिंग गोल्डन कलर मेक्स इट्स क्लियर चॉइस ऑफ मेटल फॉर आर्किटेक्चरल, क्राफ्ट एंड डेकोरेटिव पर्पज। इसका गोल्डन कलर का जो फिनिशिंग है, जिसके हम आर्किटेक्चरल, क्राफ्ट और डेकोरेटिव पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज आल्सो फॉर ज्वेलरीज, कॉस्ट टू मिनिमम, मोस्टली एज एन अल्टरनेटिव फॉर स्टर्लिंग सिल्वर। हम इसका ज्वेलरीज जो दाग दागिने हैं उसको बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इट कैन बी पेयर्ड विथ अदर मेटल्स लाइक 9 कैरेट गोल्ड, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज फॉर मिक्स मेटल पीसेस। इसको हम 9 कैरेट गोल्ड, कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज के साथ मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। नेचुरली सोल्ड इन शीट्स, इट कैन बी शोल्डर विथ स्टर्लिंग सिल्वर शोल्डर एंड फ्लक्स शोल्डर प्लेट्स। ग्लाइडिंग मेटल्स इज ऑल्सो यूज फॉर बुलेट जैकेट्स, ड्राइविंग बैंड ऑन सम आर्टिलरी शेल्स। जैकेट बनाने के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कुछ एप्लीकेशन है जैसे आर्किटेक्चरल है, ग्रिल वर्क है, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स, बैजेस, डोर हैंडल्स, मरीन हार्डवेयर्स, प्राइम कैप्स एंड पेन, पेंसिल एंड लिपस्टिक ट्यूब। इसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट ब्रास, दैट इज अ कार्ट्रिज ब्रास। तो कार्ट्रिज ब्रास जो रहता है, जिसमें हम देखते हैं कि कॉपर जो है वो 70% है और जिंक है 30%। दिस इज द टिपिकल कंपोजिशन ऑफ कार्ट्रिज ब्रास जो एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज है, एक्सलेंट कोल्ड वर्किंग वर्कएबिलिटीज, गुड हॉट फॉर्मेबिलिटीज। ओके, इसके ऊपर हम वर्क अच्छे से कर सकते हैं, किसी भी शेप में हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। इसके कुछ एप्लीकेशन है जैसे रेडिएटर टैंक्स, कोर्स, फ्लैशलाइट शेल्स, लैम्प फिक्सर्स, फास्टनर्स, हिंज, अमुनिशन कंपोनेंट्स, पिंस, रिवेट्स, बटन्स एंड प्लम्बिंग एसेसरीज। तो दीज आर द प्रॉपर एप्लीकेशंस ऑफ कार्ट्रिज ब्रास। और हम डीप में देखने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हम कार्ट्रिज ब्रास का यूज कर सकते हैं। जैसे ओडोमीटर रहता है, हीटर कोर्स, थर्मोस्टेट्स, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स, रेडिएटर्स, रेडिएटर ट्यूब्स, टैंक्स, इसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। बिल्डर्स जो लोग रहेंगे वो लॉक, पुश प्लेट्स, डेकोरेटिव हार्डवेयर, डोर के नॉब्स, हिंज के लिए यूज कर सकते हैं। फास्टनर्स में हमको पता है पिन्स, रिवेट्स, फास्टनर्स, स्क्रू, इसके लिए यूज कर सकते हैं। कन्वेयर सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं हम। साउंड प्रूफिंग इक्विपमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, स्प्रिंग, चेन, बेड चेन, ट्यूबिंग्स, हीट एक्सचेंजर, पंप, वायर स्क्रीन, पंप्स, लाइनर्स एंड पावर सिलेंडर में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्यूमिनेशन कार्ट्रिज केसेस, मैकेनिकल हाउसिंग्स एंड लाइटर्स में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द टिपिकल एप्लीकेशंस ऑफ कार्ट्रिज ब्रास। नेक्स्ट जो ब्रास है जो हमें पढ़ना है अभी, दैट इज एडमिरल्टी ब्रास।
तो एडमिलिट्री ब्लास्ट के बारे में हम देखते हैं। तो एडमिलिट्री ब्लास्ट में क्या है, एडमिलिट्री ब्लास्ट में 71% 71% कॉपर है, 28% जिंक है और 1% टीन है। SN मतलब क्या होता है, टीन। ओके, SN मतलब टीन। 71% कॉपर, 28% जिंक, 1% टीन। द स्मॉल अमाउंट ऑफ टीन इज एडेड टू ब्रास टू इंप्रूव रेजिस्टेंस टू टिपिकल टाइप ऑफ कोरोजन। टीन अगर जैसे हम ऐड करते हैं उसका कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इट इज यूज फॉर डेकोरेटिव आर्किटेक्चरल एप्लीकेशन, स्क्रू मशीन्स प्रोडक्ट, हीट एक्सचेंजर कंपोनेंट्स, पंप्स एंड इंपेलर। तो दीज आर द टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ एडमिरल्टी ब्रास, जो आपको पता रहना चाहिए और इसका कंपोजिशन भी आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट ब्रास, दैट इज एल्यूमिनियम ब्रास। तो आप सभी को एल्यूमिनियम ब्रास का कंपोजिशन याद करना है, जिसमें कि 76% कॉपर, 22% जिंक और 2% एल्यूमिनियम। इसमें एल्यूमिनियम रहता है इसलिए इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम ब्रास, और थोड़ा सा आर्सेनिक, लिटिल आर्सेनिक। ओके, इन कॉन्टेक्ट विद द सी वाटर अ प्रोटेक्टिव फिल्म बिल्ड्स अप ऑन द सरफेस ऑफ दिस अलॉय इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ कोरोजन, प्रिवेंट फर्दर अटैक। इसका जो है एक फिल्म बनता है हमारे कंपोनेंट के ऊपर, जो कोरोजन का जो अटैक आता है उसको वो आने नहीं देता। मोर ओवर द फिल्म इज डैमेज बाय द एब्रेसिव एक्शन ऑफ सैंड पार्टिकल, फॉर इंस्टेंस इट इज सेल्फ हीलिंग। ओके, द नेक्स्ट ब्रास इज लीडेड ब्रास। तो इसके बारे में हम देखते हैं अभी। लीडेड ब्रास इज अ चीप मटेरियल, बहुत सस्ता मटेरियल है, जो कि लेथ मशीन्स में हम यूज कर सकते हैं। लीड जो है वह हम कॉपर और जिंक में ऐड करते हैं तो लीडेड ब्रास मिलता है। लीड का जो कंटेंट है ये 0.5 से लेकर 3.5, 0.5 से लेकर 3.5% हम लीड का यूज कर सकते हैं। लीड हैज नो मार्केट इफेक्ट ऑन द टेंसाइल स्ट्रेंथ, विच इज अप्रोक्सीमेटली द सेम नेम एज 60/40 ब्रास। इसको हम 60/40 ब्रास भी बोल सकते हैं और इसकी वेल्डेबिलिटी, डक्टिलिटी और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। लीडेड ब्रास का जो है यूज हम चाबी जैसे कीज बनाने के लिए, लॉक के पार्ट्स, गियर, जो हमारी क्लॉक्स रहती है, घड़ियाल जो रहती है उसके पार्ट्स, ऑटोमेटिक वाटर हीटर्स और पाइप या वॉल पार्ट्स बनाने के लिए हम लीडेड ब्रास का यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज निकल ब्रास। तो निकल ब्रास जो है इसका जो दूसरा नाम है, दैट इज अ जर्मन सिल्वर या निकेल सिल्वर। इसका दूसरा नाम क्या है, जर्मन सिल्वर या निकेल सिल्वर, जिसमें कि 60 से 45% आपका कॉपर रहेगा और 35 से 20% जिंक रहेगा और 35% निकेल रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है निकेल सिल्वर का दूसरा नाम जर्मन सिल्वर है और जिसमें कॉपर, जिंक और निकेल रहेगा। तो दीज आर द टू यूनिट आउटकम्स विच आर वी अचीव्ड, दैट इज डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ कॉपर, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ कॉपर अलॉयज। लेट अस रिव्यू द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने कॉपर के बारे में देखा, कॉपर के हमने अलॉयज देखे, फिर ब्रास देखा, ब्रास के प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन देखे, फिर हमने वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रासेस देखे जिसका हमने कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन भी देखा है। और ये जो प्रोग्राम आउटकम्स है एट द एंड ऑफ द लेक्चर, हमने ये सभी अचीव कर लिए है। दीज आर द मोस्ट कॉमनली आस्क क्वेश्चंस इन एमएसबीटी। आप सभी को ये नोट करना है जो हर बार एग्जाम्स में आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं ब्रॉन्ज। ओके, तो ये भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच गाइस।